अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल गिलगिती यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने आईफोन में ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। जी हां, अगर आप अपने किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो ये आप बहुत ही इजीली कर सकेंगे बगैर किसी ऐप को यूज़ किए। तो ये आप कैसे कर सकेंगे ये जानने के लिए बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसके साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अपने आईफोन के ऐप्स को हाइड करने के लिए आपने सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें और जनरल को ओपन कर लें। इसके बाद आप लोगों ने ये जो ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शंस का, इसको आपने टैप करना है और इसमें आपने फिर से इनेबल रिस्ट्रिक्शंस कर देना है। और यहाँ पे कोई भी आप पासवर्ड सेट कर लें, मसलन मैं 2233 ये पासवर्ड यहाँ सेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ जिस ऐप को आप चाहें उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। मसलन मैं यहाँ से डायरेक्टली इन तमाम ऐप्स को हाइड करूँ, डोंट अलाउ ऐप्स, उसके बाद आप यहाँ देखें ये सारे यहाँ से गायब हो गए हैं, ठीक है। जो भी ऐप्स मैंने इंस्टॉल किए थे ऐप स्टोर को यूज़ करके। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी और ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो वो मसलन यहाँ सफारी को अगर हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये ऑफ़ कर लें, फिर चेक कर लें। ये कैमरे को भी ऑफ़ करते हैं और फेस टाइम को भी ऑफ़ करते हैं, तो ये देखें अब ये सारे यहाँ से भी गायब हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं बॉटम में सफारी का ऑप्शन होता है, वो यहाँ से गायब हो गया है और कैमरा भी नहीं है कहीं भी, ये सारे यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी ऐप को गायब कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर इसको फिर से ऑन करें तो आपको यहाँ देख सकते हैं ये मिल जाएगी सफारी भी, कैमरा भी और ये फेस टाइम वगैरह सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है जी तरीका अपने आईफोन में ऐप्स को हाइड करने का। फिर से यहाँ पे इनको अलाउ कर देते हैं जिससे ये आपको सारे ऐप्स फिर से यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजीली आप अपने ऐप्स को अगर आप चाहें तो इनको आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं आप, फिर से डिसेबल जब आप करेंगे तो कोई भी ऐप यहाँ से हाइड नहीं रहेगी। तो ये है तरीका आईफोन में ऐप्स को हाइड करने का। अगर आप चाहते हैं किसी वजह से किसी ऐप को हाइड करने तो बहुत ही ईजिली आप इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में फीडबैक दें। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।